अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सेना ने सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है, वहीं 45 लोग अभी भी लापता है और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। वहीं सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला, इस दौरान कोई भी बॉडी रिकवर नहीं की गई। आपको बता दें कि यात्रा एक या दो दिन में फिर से शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही यात्रा स्थगित कर दी थी। पहलगाम और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाज़त नहीं है। तो वहीं शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। शुक्रवार की देर रात को जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक जत्था कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।